कृष्णा, आज के टॉपिक में हम समझेंगे एक कोट करते हैं उसको समझते हैं। कोट है लेट सरेंडर टू लॉर्ड विदाउट एनी मॉनेटरी बेनिफिट। पहले इस वर्ड को समझ जाते हैं। सो अभी आपने नॉर्मल देखा होगा, हम कहीं भी जाते हैं भगवान से प्रे करते हैं या मंदिर जाते हैं या कहीं भी रिलीजियस प्लेस जाते हैं, किसी गुरु से मिलते हैं या गुरु हम अलॉट कर लेते हैं, पर साथ में हमारी भौतिक इच्छाएं, मटेरियल बेनिफिट, एक डिज़ायर बड़ी अटैच होती है कि हम ये करेंगे तो हमारे को ये मिलना चाहिए, हम ये करेंगे तो हमारे को ये मिलना चाहिए, हम ये करेंगे तो हमारे को ये मिलना चाहिए। इसका मतलब होता है जब आप रिलीजियस प्लेस या तीर्थ स्थान या मंदिर या कहीं भी जा रहे हो या गुरु से भी कनेक्ट कर रहे हो तो आप अपने शरीर से कनेक्ट हो रहे हो। तो जब भी आप शरीर से कनेक्ट होते हो तो उसमें कर्मा का अप्रोच लग जाता है। और भगवत गीता में भगवान ने स्वयं कहा है कि आप कार्य करो, आप ऐसा कार्य करो जो अच्छा कार्य होना चाहिए, फल की इच्छा ना करो। पर हम फल की इच्छा तो जरूर करते हैं, बिना एनालिसिस करे, बिना कॉम्बिनेशन करे, बिना मैथमेटिक्स करे हम कोई भी काम नहीं करते। पर कुछ भी काम करो, कोई भी अच्छा काम करो, पर फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए। तो जब भी भगवान के पास जाओ तो कंप्लीट सरेंडर होना चाहिए सोल का, ना कि बॉडी का। तो अगर आप भगवान से बॉडी में बात करोगे, अगर किसी से भी बॉडी से कनेक्ट होंगे तो वो एक मटेरियल ट्रांजेक्शन होगी, एक कमर्शियल ट्रांजेक्शन होगी। तो जैसे दो व्यापारी में ट्रांजेक्शन होती है लेन देन में, उसमें कोई वो नहीं होता द्वेष, भैया तूने 100 रुपये का काम करा, मैंने 150 का काम करा, हो गया जी, तू अपने घर मैं अपने घर, इसमें कुछ वो नहीं होता अच्छा बुरा, क्योंकि कमर्शियल ट्रांजेक्शन है, टर्म्स एंड कंडीशन है, आप टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से चार्ज करते हो इसके। पर जब आप सोल से कनेक्ट करते हो तो कमर्शियल ट्रांजेक्शन नहीं होती, तो आपकी स्पिरिचुअल ट्रांजेक्शन होती है। और स्पिरिचुअल ट्रांजेक्शन से आपकी भगवान से अपलिफ्टमेंट, आप जुड़ने लग जाते हो, क्योंकि भगवान है सच्चिदानंद और हमारी बॉडी है चमड़े की ग्रॉस बॉडी, पर भगवान ने हमारे पर कृपा करी भी है, उसके अंदर एक सटल बॉडी दे दी है, जैसे बोलते माइंड ब्रेन्स एंड फॉल्स ईगो। तो उसके द्वारा हम भगवान से कनेक्ट कर सकते हैं, वरना भगवान से कभी भी कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान है सच्चिदानंद और हम है ग्रॉस बॉडी, एक ये मतलब आप समझ लो। उसके बाद दो टाइप की चैरिटी होती है, एक चैरिटी होती है सोल चैरिटी, जो आपके अंदर सोल है, जो सोल सुपर सोल से कनेक्ट है और जो सोल सटल बॉडी को ऑपरेट करती है और ग्रॉस बॉडी को ऑपरेट करती है, चमड़े की बॉडी को जिसमें मास है, जो 5 एलिमेंट से बनी हुई, और जो सटल बॉडी को कंट्रोल करती है जो सोल। उस सोल का खाना क्या है? बर्गर, पिज्ज़ा, पेप्सी, चिकन, नॉनवेज, ड्रिंक नहीं है। उस सोल का खाना है भगवान का नाम। तो उस सोल का खाना भगवान का नाम है। अगर उस सोल को भगवान का नाम आप खिलाते रहोगे तो वो सोल शांत रहती है। जब वो सोल शांत रहती है तो आपकी सटल बॉडी माइंड शांत रहता है, बुद्धि आपकी चलेगी और बुद्धि आपके अच्छे कार्यों में चलेगी, ना कि बुरे कार्य में चलेगी, क्योंकि आप सोल को रोज खाना खिला रहे हो भगवान का नाम। तो जब बंदा ये वाली चैरिटी करता है, और ये चैरिटी स्वेल्फ है, फ्री चैरिटी है, इसमें कुछ पैसा नहीं देना, सब कुछ फ्री है। तो जब आप ये समझ जाते हो तो आपका जब शरीर, आप अपना शरीर छोड़ते हो तो आप धरती के ऊपर जो 7 प्लैनेट है उसको तोड़ के वैकुंठ लोक और गोलोक धाम में सीधा प्रवेश कर जाते हो। और जब वैकुंठ और गोलोक धाम में प्रवेश करते हो, वहाँ पर वापस आने का कोई चांस ही नहीं है, आपका जीना बर्थ एंड साइकिल से आप बच जाते हो, क्योंकि जो मेन उद्देश्य है इंसान का वो बर्थ एंड साइकिल को स्टॉप करना है। अदरवाइज आपको क्या होगा, आप 84 लाख योनि में घूमते रहोगे, कहीं साल करोड़ों बिलियन ईयर्स में आपको पता भी नहीं चलेगा कब क्या बन जाओ, धरती के नीचे रहोगे सारी चीज़ें। तो सोल चैरिटी बड़ी अच्छी होती है। अब इसके अलावा अगर आप देखोगे बहुत सारी चैरिटीज़ होती है, आप खाना खिला रहे हो, कपड़े बांट रहे हो, किसी की सेवा कर रहे हो, किसी से कनेक्ट हो, आप कंट्री के लिए कुछ कर रहे हो, आप मिलिट्री के लिए कुछ कर रहे हो, ये सारी भौतिक चैरिटी है, इसमें कहीं ना कहीं लेन देन इन्वॉल्व होता है।
कि मैं अगर आपको ये करूँगा तो आप भी मुझे कुछ करोगे, मैं आपको ये दूंगा तो आप भी मुझे कोई बेनिफिट दोगे, अगर मैं आपके यहाँ पर बोलने आ रहा हूँ तो आप मेरे पार्टी फंड में पैसा जमा करा देना। ये मोर ऑफ बॉडी रिलेटेड चैरिटीज़ होती है। तो जो भी बॉडी रिलेटेड चैरिटीज़ होती है वो मोर लेस कमर्शियल ट्रांजेक्शन्स होती है, और वो बॉडी के साथ मर जाती है, ख़त्म हो जाती है किसी भी दिन, जो हफ्ते में हमारे पास सिर्फ 7 दिन होते हैं, उसके बाद तो हमारे पास दिन नहीं होते। पर खाना खिलाना, ये करना, ये अच्छी चैरिटीज़ होती है। तो इससे क्या होता है, आपके एक गुड कर्मा जनरेट हो जाते हैं, और धरती के ऊपर जो 7 प्लैनेट होते हैं, ब्रह्म लोक, सत्य लोक, भूवर लोक, ये जो लोग होते हैं इसमें आप कहीं भी जाके इंजॉय कर सकते हो, पर आपको वापस दोबारा से मृत्यु प्लैनेट विच इज अर्थ प्लैनेट में आना ही पड़ेगा। तो जो मृत्यु का, जो अर्थ का प्लैनेट है वो उसे बोलते हैं डेथ प्लैनेट। वहीं पर आपकी ह्यूमन बींग्स पैदा होते हैं और ग्रॉस बॉडी चलती है। जो ऊपर वाले प्लैनेट होते हैं वो सटल बॉडी से चलता है, धरती ग्रॉस बॉडी और सटल बॉडी से चलता है, नीचे वाली में ग्रॉस बॉडी होती है आपकी। तो कर्म तो करने हैं, चैरिटी तो करनी है, खाना पीना खिलाओ, पर आपको अगेन रिबर्थ लेके धरती पर आना पड़ेगा। एक एग्जांपल देते हैं, जैसे मैं यूएसए गया और मेरे पास $10,000 से, मैंने $10,000 5-6 दिन करके मैनेज कर लिया और यूज़ कर लिया, उसके मेरे पास डॉलर्स ख़त्म हो गए, तो मुझे वापस आना ही पड़ेगा। और मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मैं एंजॉय करने जाता हूँ यूएस 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, पर अल्टीमेटली मुझे वापस आना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है कि आप इतने से ज़्यादा कह ही नहीं सकते। तो ऐसी जो धरती के ऊपर वाले लोग होते हैं वहाँ पर एक लिमिटेड है, और लिमिटेशन किससे बाउंडेड है, आपके कर्मा से, गुड कर्मा। तो जब तक आपके गुड कर्मा होंगे तब तक आप ऊपर के लोगों में एंजॉय करोगे, और जैसे वो गुड कर्मा खत्म हो जाएंगे आपको धरती के लोग पर दोबारा से रीबर्थ हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन बींग। सिंस गुड कर्मा है तो ह्यूमन बींग की शरीर आपको मिल जाएगा, और दोबारा से फिर आपको गुड कर्मा जनरेट करना पड़ेगा। और बिल्कुल ही नहीं करी कोई चैरिटी वैरिटी तो आपको बैड कर्मा ही जनरेट होता है, और बैड कर्मा में तो आप धरती के नीचे ही जो प्लैनेट्स है 7 प्लैनेट्स उसमें ही आप एलोकेट होते हो, और उसमें आपको उसके बाद ह्यूमन बॉडी का चांस ही नहीं मिलता दोबारा से आपको गुड कर्मा जनरेट करने में, क्योंकि जब भी ह्यूमन बॉडी के अलावा कोई और बॉडी मिलती है तो उसमें कर्मा जनरेट होते ही नहीं है, वो भोग योनि होती है, वो सिर्फ इंजॉयमेंट करने की योनि होती है, एक ह्यूमन योनि होती है जो योनि में आप कर्म जनरेट कर सकते हो गुड और बैड। तो सिर्फ आपने ज़िंदगी में अगर बैड कर्मा ही जनरेट करे है तो इट इज़ 100% श्योर कि आपको एक ह्यूमन शरीर मिलेगा ही नहीं, वो तब मिलेगा भगवान की कई विशेष कृपा हो जाए और आप भगवान बोले कि भाई साहब बहुत करोड़ों साल हो गए इस बंदे को एक चांस दे देते, लास्ट चांस, तो आपको एक योनी मिल सकती है, ह्यूमन योनी। सो सबसे बढ़िया ये होती है, आप सोल को खाना खिलाओ, भगवान का नाम खिलाओ, जब भगवान का नाम खिलाओगे तो आप सोल माइंड बॉडी से आप अपनी बॉडी को ऑपरेट करोगे, और जो आपकी बॉडी में सेंसेस होते हैं, आँख नाक कान मुंह हाथ लेग, ये सारे सेंसेस एक लिमिटेड, एक रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में ऑपरेट करेंगे और आपको गलत चीज़ों में प्रेरित इंकरेज नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी सोल को आप भगवान का नाम खिलाते हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अच्छे लोगों के साथ बैठता हूँ तो मेरा पूरा दिन अच्छा निकलता है, गंदे लोगों के साथ बैठता हूँ तो मेरा पूरा दिन गंदा निकलता है। मैं गंदे लोगों के साथ बैठूंगा तो कुछ दिनों बाद मैं भी उनकी तरह सोचने लग जाऊंगा। हरे कृष्णा।